गौरैया जो बचपन से हम लोग शायद देखते आ रहे हैं, क्यों ख़त्म हो गई? ये बहुत बड़ा एक कारण है, और इकोसिस्टम का सबसे अच्छा बैरोमीटर वो स्पैरो ही है जो हमें बताती है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है वहाँ का। क्यों ख़त्म हो गई? ख़त्म होने का कारण शायद हम लोगों के दिल छोटे हो गए और हम लोगों ने अपने घरों को बंद कर लिया। पहले वो पंखों के ऊपर की जो हिस्सा होता है उसमें घोंसले बनाती थी, मीटर बॉक्स के अंदर बनाती थी, या कहीं भी स्विच बोर्ड छोटा सा खुला होता था उसके अंदर बनाती थी। पर हमने क्या करा, मॉड्यूलर चीज़ें हो गई, सब बंद कर दिया, बिल्कुल फिनिश। और ये बहुत बदकिस्मती है हमारी कि हम नेचर को कार में बैठ के देखना चाहते हैं, नेचर को फील नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ें बड़ी कचोटती थी मन के अंदर कि यार ये चिड़िया ख़त्म हो गई। ये सबसे अच्छी चिड़िया होती थी जिसका बाइबल से लेकर के और रामायण से लेकर के और अब तक हर चीज़ के अंदर इसका कहीं ना कहीं मेंशन किया जाता है इस चिड़िया को। तो क्या करा जाए, कैसे ख़त्म हो रही है? पैकेज ओपन करिएगा, उसके अंदर पांच रेंगे ये वाले, उसमें से दो उठाइए, उसको ऐसे करिए और आपके पास ये व्हाइट वाला थ्रेड होगा, इसमें से दो थ्रेड निकालिए, ये बांधो बेटा, इसको घुमा के इधर से और ऐसे भी ले लेना, घुमा के बांधो उसको। जब आप दोनों तरफ धागा बांध देंगे तो थोड़ा सा फेविकोल उंगली पे लेके उस धागे पे लगा दीजिएगा। ऐसा हो गया आपका, दोनों तरफ बांध दिया। ये रिंग लीजिए एक और, इसको ऐसे इसके बीच में से ऐसे बांधो बेटा। पांचवें रिंग को आप इसके ऊपर क्राउन की तरह पहनाएंगे ऐसे, ठीक है? फिर उसके पास पांच जगह या चार जगह आप उसके ऊपर नोट कर देंगे उसको, ये लो। गुड। उसके बाद आपके पास ये दो चीजें और होंगी, एक स्टिक और एक बैंगल होगी। पहले ये लीजिए, ये देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ, दो जगह बांधिए उसको। इसका बैक उसके ऊपर सपोर्ट करते हुए उसको यहाँ बांध देंगे, दो जगह यहाँ और यहाँ, ताकि स्टिक बिल्कुल बैंगल के नीचे वाले हिस्से में आ जाए। ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। उसको ऐसे रखेंगे और उस होल के अंदर इसको ऐसे डालेंगे, डंडी को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे और ऐसे। ये ऐसी छोटी रस्सी होगी आपके पास, उससे इसको बांध देंगे। फिर हमने जो एक बैंगल लगाई थी वहाँ एक हल्का सा स्लिट लगाएंगे ऐसा, बस इसको बिल्कुल बेड की तरह बना दीजिए। ये लेंगे आप, पकड़िए इसको, इसके अंदर एक छोटा सा ऐसे करके इसको चारों तरफ से इससे कवर करेंगे। अच्छे से कवर करेंगे, फिर ये वाला बड़ी रस्सी इसको एक उंगली में यहाँ लगाएंगे और इसके चारों तरफ उसको बांधेंगे। टाइटली have a close, I mean, tiny sanctum for them. This workshop, I think, was about a lot of important points. It told me how to make a birdhouse and the endangeredness of sparrows, and I got to know more about sparrows, how they need to be saved, like building a birdhouse, and how are they threatened. Just very exciting and interesting too. I love sparrows because they are
small and cute type. They're very chubby and tiny. I got to know how to make a birdhouse, so this will save the sparrows as it can kind of act as a home for them. I will hang it near the bushes or at my home so that any sparrows can come and sit. Yes. Well, I would definitely keep conducting rounds around to see if there are any sparrows or not. But probably in the garden that I have downstairs in our apartment. Or in the balcony room.